आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी को श्री तेजस्वी यादव जी ने बराबर अपना अभिभावक बताया है। अब उनको जितना गाली देना है, अब तो जेडीयू के प्रवक्ता बन के काम कर रहे हैं, अब इनको गाना अच्छा लग रहा होगा, जनता के पास खाना नहीं है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। तेजस्वी यादव ने आज सीएम नीतीश कुमार से कुल 17 सवाल पूछे हैं। इसके जवाब में जीतनराम मांझी ने भी बैक टू बैक कई फायर किए हैं तेजस्वी यादव पर। जीतनराम मांझी ने कहा है कि तेजस्वी यादव बताएं उनके माता पिता के शासनकाल में कितने लोगों को नौकरियाँ मिली। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके माता पिता का जो राज था वो गुंडा राज था, लोग जो हैं वो कार की खिड़कियों से बंदूक निकाल कर चला करते थे। हमारे साथ बात करने के लिए मृत्युंजय तिवारी जी, इतना बड़ा आरोप लगा दिया है जीतनराम मांझी ने, क्या कहिएगा? देखिए, इन पर कोई टिप्पणी नहीं, ये पब्लिक सब देख रही है, सब जानती है कि आदरणीय मांझी जी क्या बोल रहे हैं, कल तक क्या बोल रहे थे, और जिस सरकार पर आरोप लगा रहे हैं उसमें खुद मंत्री थे ना, जहाँ से मुख्यमंत्री का अपमानित करके इनको हटाया गया था एनडीए से। अब ये क्या बोलेंगे, ये बोल करके अपना चर्चा में रहना चाहते हैं, अब इनका पार्टी का कोई मायने मतलब है तो जेडीयू में विलय कर गई, अब क्या इसका कोई लेना देना नहीं है। ये तो बना करके लालू प्रसाद जी तेजस्वी यादव जी पर अपना हमला इसलिए करते हैं कि चर्चा में बने रहें किसी तरह से खबरों में। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी को श्री तेजस्वी यादव जी ने बराबर अपना अभिभावक बताया है। अब उनको जितना गाली देना है, अब तो जेडीयू के प्रवक्ता बन के काम कर रहे हैं, दे वो सारा जो है खाद का काम करेगा तेजस्वी यादव जी के लिए। मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी बनेंगे, एक दो महीना का हमारे विरोधी इंतजार कर लें। एक सवाल है कि जिस तरीके से जीतनराम मांझी अटैक कर रहे हैं तेजस्वी यादव पे, मेरा दूसरा सवाल यह है कि कल नीतीश कुमार का एक थीम सॉन्ग जारी होता है जेडीयू का, जिसमें कि नीतीश कुमार एक ज़बरदस्त फॉर्म में है, तस्वीरें दिखाई जाती है, एक गाना है जिसमें कि बिहार का विकास पुरुष तक बताया जाता है, जो बिहार में विकास हुए हैं उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार का ही हाथ है। अब इस गाने को किस तरीके से आप लोग काउंटर कीजिएगा? अरे ये गाना से क्या होगा, जनता भी ज़बरदस्त फॉर्म में है बदला लेने के लिए, इनको गाना दिख रहा है और गाना सुनाने के चक्कर में है, और जनता इनको, जब जनता का इन्होंने आंसू बहाया है, वो आंसू जनता का सूखा नहीं है, अब इनको गाना अच्छा लग रहा होगा, जनता के पास खाना नहीं है, इनके पेट में भूख की आग लगी है, वो गाना सुना रहे हैं, बहुत हो गया, अब तैयार रहिए जाने के लिए, बोरिया बिस्तर समेट लीजिए। चलिए, थे आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, जिनका कहना है जनता के पास खाना नहीं है और नीतीश कुमार बिहार में गाना बना रहे हैं। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन।